हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बूम। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डेल XPS 15 को। इस लैपटॉप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसे वहां से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे एंड देन हम इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i7-10875H का प्रोसेसर। इसमें आपको 16GB रैम मिलती है, 512GB SSD मिलता है। देन आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 Ti का GPU मिलता है। इसमें आपको 15.6 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है विद 3840x2400 रेजोल्यूशन। इसका वेट है 2.05 kg। इसमें आपको 720p का वेबकैम मिलता है। इसमें आपको विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलता है। अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको दो USB-C Thunderbolt 3, एक USB-C 3.1, एक SD कार्ड रीडर, एक 13.5mm ऑडियो जैक मिलता है एंड एक 1 वेज शेप्ड लॉक स्लॉट भी मिलता है। इसका रीडिज़ाइन इसका मेन रीज़न है XPS 15 को ख़रीदने का, लेकिन इसका नया प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड जो है वो दोनों भी काफ़ी अपग्रेडेड है। इसका मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, जो आप एक 8th Core 10th Generation प्रोसेसर से एक्सपेक्ट करेंगे। इसमें आप डजन ऑफ क्रोम टैब्स प्लस स्पॉटिफाई, यूट्यूब वीडियोज़, कुछ डाउनलोड भी बैकग्राउंड में बिना प्रॉब्लम के चला सकते हैं। NVIDIA GTX 1650 Ti एक मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड है। हालांकि ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट अगर आप 15 इंच गेमिंग सिस्टम देख रहे हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शंस है MSI, Alienware एंड Razer सेम रेंज में। अगर हम इसके प्रोसेसर की स्पीड की बात करें तो Dell XPS 15 took 4.5 minutes टू एक्सपोर्ट अ 5-minute 33-second वीडियो इन Adobe Premiere Pro, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर हम इसके स्क्रीन की बात करें तो ये अपने पिछले वर्जन से 5% लार्जर है विद 92.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी थिन बेजल्स मिलते हैं एंड इसमें आपको 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। इसका टच स्क्रीन जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का बना हुआ है एंड इट हैज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ 3840x2400, वन ऑफ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन यू विल फाइंड ऑन अ कंज्यूमर लैपटॉप। इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, सो आप इसको आराम से आउटडोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई 6 कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ 5.6 कनेक्टिविटी भी मिलती है। अगर हम इसके बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें आपको नॉन टच स्क्रीन मॉडल में 56 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है एंड टच स्क्रीन मॉडल में आपको 86 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। इसमें आपको 10% लार्जर कीबोर्ड मिलता है देन इट्स प्रीवियस मॉडल और आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप किसी डेस्कटॉप पर टाइप कर रहे हैं। इसके स्पीकर्स की बात करें तो इसके स्पीकर्स कीबोर्ड के साथ ही अपर साइड में लगाए हैं इस बार देन कंपेयर टू इट्स प्रीवियस वर्जन जिसमें नीचे लगाए गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली एज मच एज दी XPS 15 हैज़ चेंज्ड ऑन दी आउटसाइड, जो प्रीवियस मॉडल के स्ट्रगल हैं इसके कूलिंग और पावर कंजप्शन के वो अभी भी बरकरार हैं। इस लैपटॉप के ड्यूल फैंस जो है वो काफ़ी ऑडिबल हैं एंड मल्टीटास्किंग के दौरान दो इसका टच पैड एंड पाम रेस्ट कूल रहते हैं, बट इसका कीबोर्ड जो है वो ऑफन हीटअप हो जाता है अंडर लोड। इसमें आपको काफ़ी थिन बेजल्स देखने को मिलते हैं एंड इट्स डिस्प्ले रीचेस डाउन द कीबोर्ड। ये 4K UHD टच स्क्रीन के साथ आता है, जो नॉन टच स्क्रीन है उसमें भी आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिलती है। आपको ये 4K HD वाला जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा अगर आप कुछ कंटेंट स्ट्रीमिंग करते हो तो, या फिर गेमिंग करते हैं तो। साथ ही साथ डेल आपको यहाँ पे 1TB तक का PCIe 3 स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। इसमें एक काफ़ी मेजर फीचर ये भी है कि इसमें जो स्पीकर्स पहले नीचे की तरफ हुआ करते थे वो अब फायरिंग स्पीकर्स कीबोर्ड के साथ ही ऊपर की तरफ दिए गए हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि अगर स्पीकर नीचे होता है तो आपको काफ़ी दबा दबा साउंड आता है, और अब स्पीकर्स ऊपर की तरफ हैं तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा लुक मिलता है। साथ ही साथ इसके डिस्प्ले में आपको काफ़ी कम बेजल्स मिलते हैं एंड इसका कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए आउटडोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सनलाइट की वजह से आपको दिखने में, स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये ऑल इन ऑल एक काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।